हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल इसलिए होगा कि आपके सामने जो मशीन है ये एक वाटर आयनाइजर की मशीन है। और अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक आरओ वाटर के अंदर, यानी कि जो आरओ की जो मशीन होती है और ये जो वाटर आयनाइजर, इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, पानी को साफ़ करने के लिए हमें आरओ की ज़रूरत पड़ी थी, तो इसलिए हर घर में आप देखेंगे कि आरओ लगा हुआ है ताकि आपका जो पानी है वो साफ़ हो के आए। क्योंकि आपने काफ़ी टाइम पीछे देखा होगा कि पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगी थी, तो पानी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आरओ की मशीन आपके पानी को साफ़ कर देती है, फ़िल्टर कर देती है, ताकि आप उन बीमारियों से दूर रह सकें। पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कहीं ना कहीं जब हम पानी को आरओ के द्वारा फ़िल्टर करते हैं तो जो पानी के मिनरल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ इशू पैदा होते हैं। और अक्सर हमारे घर में जो बड़े हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि वो कई बार बात करते हैं कि हमें आरओ का पानी नहीं पीना है, हम नॉर्मल पानी पियेंगे, या जेट पंप का जो पानी होता है जो हम नलके से यूज़ करते हैं, या फिर समरसिबल जो लगा होता है वो डायरेक्ट उसको पीना पसंद करते हैं, जहाँ जिस भी एरिया का पानी वो अच्छा है। वरना समरसिबल का पानी कई बार बहुत बेकार भी आता है कुछ एरिया में, और कुछ जगह काफ़ी अच्छा आता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने के लिए ही है कि पानी को पीना बहुत इम्पॉर्टेंट तो है, पर इसके साथ साथ हमें किस तरीके से उसको साफ़ करना चाहिए। क्योंकि आज हम और बुरी कंडीशन में आ चुके हैं कि पानी का सिर्फ साफ़ होना ज़रूरी नहीं है, जहाँ वो मिनरल्स खो गए हैं हमें वो वापस चाहिए कि हम मिनरल्स के साथ में पानी को हेल्दी भी बना पाएँ। तो उसके बाद जो न्यू इन्वेंशन है वो है वाटर आयनाइजर, और ये इसके अंदर कोई स्टोरिंग नहीं होती है। डिफरेंस बताती हूँ, जैसे आरओ के अंदर क्या होता है, आपका किसी भी टंकी के अंदर स्टोर करके पानी को उसमें से सेव करते हैं, कई बार 8 लीटर का या 10 लीटर का 15 लीटर का आरओ का जो वो टैंक होता है उसमें पानी जमा होता है साफ़ करके, और आप उसको बॉटल में फिल कर लेते हो। इस मशीन में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका पानी है वो आपको स्टोर करके रखना होगा, बस इतना फ़र्क है कि आरओ से जो पानी निकल रहा है, आप जब उस आरओ के पानी को, क्योंकि वो साफ़ पानी है, इस मशीन में हम साफ़ पानी ही यूज़ कर सकते हैं, जिसका TDS कम से कम 150 होना चाहिए, मतलब 100 से 150 आपका TDS होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे मिनरल्स होते हैं, वो पानी साफ़ होना चाहिए। और जब आप इस मशीन के ज़रिए उस पानी को निकालते हो, ये इसका इनलेट है, तो वो जो पानी है आपका वो आयनाइज हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से आप उस पानी को, उस पानी के pH को बढ़ा सकते हो। और pH क्या है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे कि pH मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। 3 से 4 फायदे आपको इस मशीन के मिलते हैं कि आप आरओ से निकले हुए पानी को, क्योंकि आरओ का पानी साफ होता है पर हेल्दी नहीं होता, वो काफ़ी एसिडिक माना गया है, तो उस पानी को अल्कलाइन करने के लिए आप इस मशीन का यूज़ करते हो। दूसरा, पानी का जो क्लस्टर है नॉर्मल पानी का या आरओ पानी का, वो काफ़ी बड़ा होता है, तो हमारी जो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। आप देखेंगे कई बार गला सूखता है और आप पानी पीते हो पर वो प्यास नहीं बुझती है, तो उसका कारण यही है। तो ये मशीन उस पानी को क्या करती है, पतला बना देती है, जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आपकी प्यास बुझती है। इसके अलावा इस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम उसको आयनाइज करते हैं पानी को, यानी कि इसमें किस तरीके से मशीन लगी हुई है कि इस पानी के अंदर करंट डाल के उसका एसिडिकपन एक साइड में चला जाता है और जो अल्कलाइनपन है वो एक साइड में आ जाता है। तो आप इस वाले पाइप से अल्कलाइन पानी निकालते हो, और जो ये पाइप लगा हुआ है यहाँ से, ये वाइट वाला पाइप, आप यहाँ से एसिडिक वाटर निकाल सकते हो, ये जो देखिए। तो इस तरीके से आपको हेल्दी वाटर मिलता है और आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो। ये कोई मेडिसिन नहीं है और इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और ये वो प्रोसेस है, आप देखोगे जब पहाड़ों से नदी निकलती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो वो बहुत सारे क्लस्टर में टूट जाती है, उनका जो पानी होता है वो अल्कलाइन होता है, मतलब पहाड़ी इलाकों का जो पानी होता है वो अल्कलाइन होता है, पतला होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। क्योंकि ये जब पानी हमारे सेल्स के साथ गुजरता है तो हमारे सेल्स पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, जिससे आप काफ़ी हेल्दी रहते हो। तो ये जो डिफरेंस है यही है कि आरओ पानी को साफ करता है, और ये मशीन एक एडवांस वर्जन रहेगी, एक एडवांस स्टेप रहेगी कि आप उस साफ पानी को हेल्दी कैसे बना सकते हो। क्योंकि एक बार फिर से कहूँगी कि 72% हमारी बॉडी पानी से बनी है, तो अपने पानी को साफ पीना और स्वस्थ पीना भी बहुत ज़रूरी है, और आज के टाइम की ये बहुत ज़रूरत भी है। क्योंकि हमें खुद को पहले बीमारियों से बचाना है, ऐसा नहीं है कि हम बीमार हो जाएं उसके बाद हम सॉल्यूशन ढूंढें। एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि बीमार होने से हम बचें, ताकि अपना खान पान ठीक रख सकें। तो पानी की मशीन आपके पास है, खाने के लिए आप तो बहुत समझदार चूज़ कर सकते हैं कि हमें कैसा भोजन खाना चाहिए,
इसके साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हो। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप क्लियर कर पाएंगे कि आरओ नहीं है ये, आरओ से एक एक्स्ट्रा मशीन है जो आपके पानी को अल्कलाइन करती है।